और रब सला खरा वनम्मा और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। मैं प्रॉफिट सुमंदी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, निश्चय प्रभु हमें ब्लेस करें। अपने आंखों को बंद करें, आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु महान है, वह राज्यों का राजा है, वह प्रभु का प्रभु है, वह सृष्टि का करता है, वह राज्यों का राजा है, वह यहोवा परमेश्वर है, वह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आंखें दी, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जुबान दी, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चलना सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बिजनेस को बढ़ाया। हर एक बात के लिए धन्यवाद दें, हर एक सांस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर एक खुशी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और परमेश्वर वचन कहता है कि अगर मेरे नाम से तुम सताए जा रहे हो तो आनंद मनाओ। हालेलुया। और हम आनंदित है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। सब जन अपने घुटनों पे आएं और प्रार्थना करें। और रबसा लखा रवना राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे परिवार को बचाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, मुझे चुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हमें एक्सीडेंटों से बचाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप राजों का राजा प्रभु का प्रभु हैं, और राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। मेरे पिता, मैं पापों में था, मैं दलदल में था, मैं संकटों में था, मैं विनाश में था, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने मुझे बचा लिया है मेरे पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे पाप से निकालने के लिए, मेरे परिवार को पाप से निकालने के लिए मेरे पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे ऊपर हर एक मुसीबतें हटाने के लिए मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मेरे ऊपर से हर एक बोझ हटाने के लिए मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मेरे पिता मेरे जीवन में चमत्कार करने के लिए मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मेरे पिता हर एक बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे शत्रु जो मुझ पर आनंद आपने उनको आनंद नहीं करने दिया मेरे पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और कई बार शत्रु हैं वो आनंद होते हैं, देखो उनके साथ बुरा हो रहा है, देखो उनके साथ ऐसा हो गया, वो ठट्ठा उड़ाते हैं, वो हाथ करके हंसते हैं, लेकिन परमेश्वर जी आपने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया मेरे पिता परमेश्वर, आपने मेरे दुश्मनों को आनंद नहीं करने दिया, वो हमेशा परेशान होते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे दुश्मन उलझ जाते हैं मेरे पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे दुश्मन आपस में ही लड़ पड़ते हैं मेरे पिता, मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ऊंचा रखा, आपने मुझे ऊंचा रखा मेरे पिता। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने आपकी दुहाई दी मेरे पिता, और आपने मेरे जीवन में चमत्कार किया मेरे पिता। मैं रोगी था मेरे पिता, आपने मेरे रोग खत्म किया मेरे पिता। मेरे परिवार में रोग था मेरे पिता, आपने मेरे रोगों का चंगा किया मेरे पिता। मेरे पिता आपने मेरे बीमारी से मुझे चंगा किया मेरे पिता, आपने मुझे हर एक रोग से चंगा किया मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर, मैं प्रॉफिट सुमंदी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आपने इनके रोगों से छुटकारा दिया है मेरे पिता, इसीलिए इनको धन्यवाद दें। और आप भी कहें कि आपके ऊपर इतने संकट थे जिस वजह से आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे, अंदर आए कि मेरे ऊपर यह संकट था, मेरे ऊपर यह दुख थे, मेरे ऊपर यह मुसीबत थी, मैं ऐसा परेशान था, मैं ऐसा था। और अपने घुटनों पर आकर कहें, प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु जी आपने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया, आपने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया, आपने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया मेरे पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्राण बचाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सृष्टि का कर्ता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्राण बचाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। मैंने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं दुखों में था मेरे पिता, आपने मुझे चंगा किया मेरे पिता। मैं डिप्रेशन में था मेरे पिता, आपने मुझे बाहर निकाला मेरे पिता। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था मेरे पिता, मेरा बिजनेस दौड़ने लगा मेरे पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। मेरे जितने रुके काम थे ये दौड़ने लगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। मैं रोगी था मेरे पिता, प्रभु जी आपने मेरे रोग खत्म किए मेरे पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। मैं पापों में था मेरे पिता, आपने मेरे पाप क्षमा किए मेरे पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ रबसा लखा रवनम्मा, आप राज्यों का राजा है, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता मैं भजन गाकर, मैं आराधना कर आपको स्मरण करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं भजन गाकर आराधना कर आपको स्मरण करता रहूँगा मेरे पिता, और आप भी आराधना किया करें, परमेश्वर के धन्यवाद दिया करें। उस आराधना जिस तरह दाऊद आराधना किया करता था, आप आराधना किया करें परमेश्वर की, और परमेश्वर को धन्यवाद दिया करें हर एक बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर महान है, राजाओं का
राजा है, प्रभु का प्रभु है। इस महान परमेश्वर का धन्यवाद दे। और राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं हम रात रात को रोया करते थे, वो दुष्ट आत्मा हमें परेशान किया करती थी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता कि आप अपने दासों को भेजा मेरे पिता, और मेरे पिता आज मेरा परिवार खुशहाल है मेरे पिता। लेकिन मेरे पिता मैं भी आपके दासों का आदर करता रहूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और रावा सिलिखिरी नामा मेरे पिता, ऐसे बहुत से लोग आप में से कि जब आप दुष्ट आत्माओं के अंदर फंसे हुए थे और आपने परमेश्वर के दासों का आदर करना ही बंद कर दिया। मैं ऐसे बहुत से लोगों को देख रहा हूँ कि आपके हालात क्या थे, कहाँ से कहाँ आपको परमेश्वर ने उठा दिया, लेकिन आप वही का वही हो क्योंकि आप परमेश्वर के दासों का आदर करना भूल गए हैं। और परमेश्वर सब देखते हैं, सब जानते हैं कि क्या और कौन कैसे और कैसे हैं। और निश्चय परमेश्वर फैसला करते हैं, निश्चय परमेश्वर इन बातों का न्याय करते हैं। लेकिन आप उस बात के लिए धन्यवाद दें कि रात रात आप सो नहीं पाते थे, लेकिन परमेश्वर का बल आपके परिवार पर उतरा, परमेश्वर की सामर्थ आपके घर के ऊपर उतरी, आपके ऊपर उतरी, और आप आज आजाद हैं और आप आज मिट्टी पर नींद ले रहे हैं। लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें धन्यवाद देना है कि प्रभु आपने मुझे बचा के रखा, आपको धन्यवाद, आपने हमें बचा के रखा, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें प्रसन्न करने के लिए आपको धन्यवाद। जब हम हंसते हैं, जब हम खुश होते हैं, शैतान रोता है, दुश्मन रोते हैं, दुश्मन चिल्लाते हैं कि ये खुश क्यों है, ये खुश क्यों है, लेकिन हमें खुश करने वाला वो महान परमेश्वर है, हमें खुश करने वाला वो महान परमेश्वर है। इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें, उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसने मेरे पापों को क्षमा किया। इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसने हमारे श्रापों को खत्म किया। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, वो परमेश्वर जो तीसरे दिन जिंदा हो गए, जो कब्रों हटा कर जिंदा हो गए, और रबसा लखर वनमा जो कब्रों में से जिंदा हो गए। इसलिए सुभान परमेश्वर को धन्यवाद दो। हम विलापों में थे, हम दुखों में थे, हम संकटों में थे, प्रभु जी आपने हमारे विलाप को नृत्य में बदल दिया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि हम विलाप में थे, हम संकटों में थे, हम परेशानियों में थे, लेकिन मेरे पिता हम नृत्य में है मेरे पिता। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और रावसा लखर रावणा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सर्वदा हमारे साथ बने रहे मेरे पिता, और हम सर्वदा आपके साथ बने रहे। मैं सर्वदा आपका धन्यवाद करता रहूंगा, मैं सर्वदा आपका धन्यवाद करती रहूंगी। और रावसा लिखिरी विनमा आज कहें कि प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता रहूंगा, मैं हर समय आपको धन्यवाद देता रहूंगा, मेरा परिवार आपको धन्यवाद देता रहेगा, मेरे घर का हर एक मेंबर आपको धन्यवाद देता रहेगा, क्योंकि आप इसी के योग्य है मेरे पिता, आप धन्यवाद के योग्य है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आप महान है मेरे पिता, आपने हम पर अनुग्रह किया मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। वचन कहता है हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक है मेरे पिता। सच में मेरे पिता सब साथ छोड़ जाते हैं, सबके सब साथ छोड़ जाते हैं, सबके सब छाड़ जोड़ जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सबके सब साथ छोड़ जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, आप कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, आप हमेशा हमें थामे रहते हैं मेरे पिता, आप हमेशा हमें थामे रहते हैं मेरे पिता। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम जब लहरें देखते हैं मेरे पिता हम डर जाते हैं, हम पानी पे तो चलना चाहते हैं, हम मुसीबतों को तो पार करना चाहते हैं, लेकिन लहरें देखकर हम डर जाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप मेरे पिता हमें यहाँ तक इतने ऊंचे मुकाम पर आप लेकर आए मेरे पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आपने मेरे पिता हमारे हाथ को उठाया, हमें उठाए मेरे पिता, ओ मेरे पिता परमेश्वर आपने हमारे अपने हाथ को बढ़ाए मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ओ राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता आपने हमें जीवित रखा मेरे पिता, ये सबसे बड़ा आपका धन्यवाद है मेरे पिता। लाखों लोग आज का दिन नहीं देख पाए हैं मेरे पिता, एक्सीडेंटों से मुसीबतों से वो फंस गए हैं मेरे पिता, लेकिन आपने मेरे पिता हमें संभाल कर रखा, हमें जीवित रखा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मेरे पिता आज हम आपसे वायदा करते हैं कि हम जिस तरह हिरनी पानी के लिए प्यासी रहती है, हम आपके वचनों के लिए प्यासे रहेंगे, हम आपको धन्यवाद करने के लिए प्यासे रहेंगे, हम हमेशा आपको धन्यवाद करते रहेंगे। मैं और मेरा घराना मेरे पिता परमेश्वर आपको सर्वदा आपको धन्यवाद देता रहेगा, क्योंकि आप हमें आने वाले प्रकोप से बचाते हैं, आप हमें आने वाले संकट से बचाते हैं, आप हमें आने वाले प्रकोप से बचाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको वचन कहता है कि मैं तुम्हें आने वाले प्रकोप से बचाऊंगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मेरे पिता मैं सबसे बड़ा धन्यवाद इस काम के लिए आपको देता हूँ कि आपने
इतने लोगों में से हमें चुना मेरे पिता, इतने लोगों में से हमें चुना, इतने लोगों में से हमें चुना, इस दुनिया में से आपने हम लोगों को चुना मेरे पिता। ये बहुत बड़ी बात है मेरे पिता। हम इस लायक नहीं थे मेरे पिता, लेकिन हमें सच्चा परमेश्वर मिल गया है। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन हमें सच्चा परमेश्वर मिल गया है। वो परमेश्वर जो सब नामों से ऊंचा है, वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर जिसका नाम सब नामों से ऊंचा है, हमें वो परमेश्वर मिल गया है। सच्चे मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सच में आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग भी सारा परिवार मिलकर जब भी प्रार्थना करें, सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद वहाँ से देना शुरू करें जब आप प्रभु यीशु मसीह को जब आपने जानना था, जब आप किस संकट में थे, किस मुसीबतों में थे, आपके हालात क्या थे, वो हालात को याद करें। मैं करूँ हमेशा उन हालातों को याद करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों में घमंड आ जाता है कि बस अब हम ठीक हो गए हैं, अब ऐश परस्ती करने चले जाते हैं, घूमने फिरते हैं, ऐश परस्ती करते हैं, क्लबों में जाते हैं, नाचते हैं, नशा करते हैं, बहुत से गलत काम करते हैं, और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं और मसीह को ऐसा दिखाते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। सबसे बड़ी गलती वो यहीं पर करते हैं, परमेश्वर को दुखी करने की, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा को जानता है। हम अपनी माता पिता को धोखा दे सकते हैं, अपनी मम्मी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धोखा कभी नहीं दे सकते हैं। बल्कि हम वहाँ पर पहले धोखा देते हैं और बाद में झूठ बोलते हैं। परमेश्वर इसके सख्त खिलाफ है, सख्त मतलब सख्त खिलाफ है। हम खुद ही उस खड्डे में गिरे हुए हैं और उस खड्डे की मिट्टी खोद रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप नीचे नीचे धंसते जा रहे हो। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस बात की गहराई में जाएं, कभी भी उस एहसान को ना भूलें जो परमेश्वर के दासों ने आपको ऊपर किया और जो परमेश्वर ने आपको ऊपर किया। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।